हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन दिस चैनल। सो आज हमारे पास है ऑल्टो भाई। है भाई, इंट्रोडक्शन दे दो अपनी। भाई मेरा नाम सूर्य है और मैं अभी प्लस टू कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ अभी मैं बेसिकली। सो भाई की जो गाड़ी है वो काफ़ी ऑसम बनाई हुई है, तो पूरी डिटेल देते हैं आपको इस गाड़ी के बारे में, बहुत कुछ लगा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। तो भाई बताओ क्या कुछ लगा फ्रंट में आपके। भाई इसमें ऑटो की के प्रोजेक्टर्स लगे हैं 3 इंचेस में। okay. और विद आरजीबी कंट्रोल डी, ये बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं हनीकॉम डिज़ाइन है। राइट right. और ये आईपीएच के फॉग लैंप प्रोजेक्टर्स है, ये दोनों सपोर्ट करते हैं लो बीम और हाई बीम। और यहाँ पे आप थोड़े देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिल मैंने थोड़ी रेड टेपिंग की और ये डी क्रोमिंग की हुई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है ये भी। और यहाँ पे ये डमी टो टैग हो गया, ये आपकी फैंसी कस्टमाइज नंबर प्लेट हो गई। सो ओवरऑल फ्रंट से लुक जो है वो कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। सो साइड प्रोफाइल में चलते हैं। तो भाई एलॉयज बताओ, एलॉयज के बारे में कुछ बताओ। एलॉय मेरा प्लाटी का है 13 इंचज में, 6G एलॉय है और मैं इसमें टायर यूज़ कर रहा हूँ योकोहामा अर्थवन 155/60 R13 और मैं रेयर में यूज़ कर रहा हूँ 165/65 R13। थोड़ा वाइट टायर है। राइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज इंडिकेटर हो गया आपके। ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो है भाई ने लगाया हुआ है, ऐसे हमने किसी में देखे नहीं अभी तक किसी गाड़ी में। और मैंने फ्रंट वाली विंडशील्ड में 50% टेंट करवाया हुआ है, 50% टेंट के साथ और शिमला ऑटो क्लब का लोगो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है शिमला ऑटो क्लब यहाँ पर कितना फेमस हो रहा है आजकल। तो बाकी यहाँ पे विंडो कर्टन्स हो गई, विंडो कर्टन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ी और थोड़ी बहुत बैजिंग साइड प्रोफाइल पे आपको देखने को मिल जाएगी। और सो हम चलते हैं बैक साइड पे। बैक साइड में तो भाई यहाँ पे आपकी ये टिन टू ये टेल लैंप्स, साथ में आपका रियर में रूफ एंटीना हो गया। राइट और यहाँ पे मैं कर्टन यूज कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पे थोड़ी आपको हार्ड ट्यून की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे सेम नंबर प्लेट और डमी टो टैग और ये भी डमी है, एग्जॉस्ट एग्जॉस्टेड। ओके और बाकी तो दूसरी साइड भी पूरी सेम है। तो मैंने छत इसमें रैप करवाई है सिंगल पीस में, ये एवरी डे नहीं सिलती है। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर जैसे आप बेसिकली ऑल्टो जैसी गाड़ी में 13 इंचज अलॉय लगाएंगे तो आपके मेजरली टचिंग इशू आ सकते हैं। राइट तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉइल ओवर चेंज किया। और यहाँ से अगर आपको फोकस हो रहा होगा तो ये एक कुशन बफर, ये गाड़ी को मतलब प्रेस नहीं होने देते। राइट राइट यहाँ पे एक जगह स्टांस पे रखते हैं। और अगर मैं आपको बैक साइड में दिखाऊँ तो मैंने इसमें सस्पेंशन चेंज करवाई है, ये देख सकते हैं आप, ये ड्यूल आपका जो स्पेसर बोलते हैं और ये आपकी सस्पेंशन मैंने चेंज कराई, सो दैट इसमें गैप बहुत बढ़ जाएगा। फिर आपके फोर पीपल में टचिंग बिल्कुल भी नहीं आ सकती। बढ़िया। तो हम लोग बात करते हैं इंटीरियर से। तो भाई बताओ क्या कुछ लगा हुआ इसके अंदर इंटीरियर में। एटमॉस्फेयर लाइट्स होगी आपकी और इसमें आपकी रूफ पे लेदरिंग होगी। सो ये तो काफ़ी ऑसम चीज़ लग रही है भाई, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लेदरिंग करवाई है पिलर्स में, यहाँ पे थोड़ी आपको सेम हार्ड ट्यून की बैजिंग मिल जाएगी। और बाकी आपका एंड्रॉयड स्टीरियो होगा। कौन सी कंपनी का ये है आपका? लाउड अंकल। और अभी हम आप लोगों को इसका जो साउंड का सिस्टम वगैरह वो भी सब समझाएंगे। सो फ्रंट में स्पीकर्स लगवाए हुए भाई? यहाँ पे भी सोनी एक्सप्लोर के स्पीकर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा।
और रेयर में मैं सॉन्ग बर्ड के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो वो आपको भी हम लोग दिखा देते हैं खोल के। सो यहाँ पे सॉन्ग बर्ड के जो दो स्पीकर्स लगे हुए हैं और अंदर इसके लगा हुआ है रॉकफोर्ड का वूफर। सो अब हम आप लोगों को सुनाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। हाँ जी, तो गाइज होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई का जो इंस्टाग्राम है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो टोटल अभी खर्चा आ चुका है गाड़ी की मॉडिफिकेशन पे वो अराउंड 1.5 लाख के करीब है, और भी मॉडिफिकेशन होनी है। सो कभी और टाइम लगे तो ज़रूर नई मॉडिफिकेशन के साथ भाई के साथ वीडियो बनाएंगे हम। तो बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। रुको जरा, सबर करो।